thankyoumuhammad.com। तबाह कर दी तुमने मेरी जिंदगी। अगर मुझे पता होता कि उस गुनाह का अंजाम इतना बुरा होगा तो मैं कभी तुमसे रिश्ता ना रखती। हम दोनों तो गाड़ी में सफर कर रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? एक्सीडेंट में सबा राबिया, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, मगर आप सहेली के यहाँ क्या हो? आओ बैठो। बेटी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहाने बहाने से घर से कुछ ज्यादा ही बाहर रहने लगी हो? छोटी जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। आप क्यों लेक्चर देती रहती हो? ऐसी बात नहीं है, एक छोटी सी गलती इंसान को पस्ती की तरफ ले जाती है। मैं तो सिर्फ तुम्हें आगाह कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ हमेशा। मैं इसी में खुश हूँ, पापा भी खुश हैं। बेटी, इन चंद लम्हों के नशे को तुम खुशी कह रही हो? ये तो इंसान को अपने मकाम से गिरा देता है, जिंदगी में भी और कब्र में जाने के बाद भी। कब्र में जाने का वक्त नहीं आया मम्मा, नहीं आपका, नहीं पापा का। फिर आप कब्र का रोना क्यों रो रही हैं? सिर्फ जरा सा पांव चूक जाए तो जिंदगी पस्त और नाकाम हो जाती है। मैं नहीं मानती। बेटी, मेरे और तुम्हारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकारी से बचने का हुक्म दिया है। उसमें बुराई है, इसीलिए तो बचने का हुक्म दिया है उन्होंने। क्या तुम उनकी बात भी नहीं मानोगी? मामा, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अपनी बुआ की बात को समझ। अपनी बाप की तरह बन। या अल्लाह, अपने हबीब के सदके में, उस अजीम हस्ती के सदके में मेरी बच्ची को हिदायत दे। मेरी बच्ची,
मेरा ख्याल देख, मेरा ख्याल देख। मेरे और तुम्हारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकारी से बचने का हुक्म दिया है, उसमें बुराई है, इसीलिए तो बचने का हुक्म दिया है उन्होंने। क्या तुम उनकी बात भी नहीं मानोगी? भी हो सकता है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कुछ देर के लिए तो आपकी दिल की धड़कने भी बंद हो गई। हमने तो समझा कि आप खैर, आप सब ठीक है। आपकी घर में तो सिर्फ एक लड़की थी। I'm sorry. हमारे आने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। इसे इसे वापस लाओ। खुफिया खजाने चुप नहीं होगा। Please, please, वापस लाओ। Please, इसे वापस लाओ। इसे मौका दे दो। मौका, मौका। अगर मुझे पता होता कि उस गुनाह का अंजाम इतना बुरा होगा, तो मैं कभी तुमसे रिश्ता ना रखती।